गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वी हैव ऑल्सो सीन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोज सब्सटेंसेज विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो सी वंस मोर एग्जाम्पल, इफ मैग्नीशियम विल कंबाइन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट विल गिव हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. हेयर इट इज दिस इज द मैग्नीशियम इन विच देर इज नो चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल. देयर फॉर प्लस माइनस इज इक्वल, दैट मीन्स इट इज जीरो, ना इस पर जीरो चार्ज हो गया. While in the case of HCl, hydrogen will lose one electron, so that it will get one positive charge and Cl will get one negative charge. ठीक है, similarly in this compound, the oxidation state or the magnesium is losing two electron to acquire octet, so that it will acquire positive charge, two positive charge, and chlorine will get one negative charge. And in this case, hydrogen, its oxidation state is zero, or means it is carrying zero charges. ठीक है, तो देखो यहाँ जीरो से तुम्हारा जा रहा है प्लस टू में. कहाँ से जा रहा है ये तुम्हारा? इसका जीरो चार्ज था और जीरो से जा रहा है तुम्हारा प्लस टू में, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया. सिमिलरली यहाँ का तुम्हारा हाइड्रोजन प्लस वन फॉर्म में है और यहाँ क्या हो गया? जीरो हो गया. तो प्लस प्लस वन से जीरो में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यह न्यूट्रलाइज हो गया, इसीलिए ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट देखिए आप, रिएक्शन ऑफ आयरन सेकंड क्लोराइड विथ क्लोरीन. ना FeCl2 का रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ? क्लोरीन के साथ. यहाँ देखो क्लोरीन मोलिकुल है, तो मोलिकुल में ये जैसे दो क्लोरीन है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7-7 होता है दोनों का, ठीक है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. ये ऑक्टेट देखो, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो ना तो यह क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ना यह क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, इसलिए जीरो चार्जेज हो गया. प्लस और माइनस दोनों में बराबर होता है, इसलिए जीरो हो गया. यहाँ देखो आयरन जो होता है दो इलेक्ट्रॉन लूज, एक आयरन दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन को देता है, माइनस Cl2 हो जाता है, क्योंकि एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसको एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन को दे देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. उसी तरह से दूसरा क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो जाता है, और एक क्लोरीन पर यहाँ -1 हो जाएगा, दो क्लोरीन पर -2 हो जाएगा. तो यहाँ यह +2 से +3 में जा रहा है, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये, ठीक है. हेयर इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to -1, या 0 से -1 की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसलिए यह प्रोसेस क्या है आपका? रिडक्शन है, ठीक है. आइए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटर डेफिनेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है. ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग ए रिएक्शन. ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा इस दो स्लाइड के बाद, ठीक है. तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जब द चार्ज अपियरिंग ऑन एन एटम इन ए मोलिकुल और मोलिकुलर आयन, ठीक है, व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कोई किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम पर चार्ज डेवलप करता है, जो चार्ज अपियर होता है उसी चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में. अभी जान जाइए कि जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर चार माइनस चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यह खींचेगा, तो एक एटम पर माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसका होता है, तो इस पर प्लस वन हो गया. ऑक्सीजन देखो यह मोलिकुल के फॉर्म में है, तो टोटल चार्ज इस पर जीरो है, तो यह जीरो दे दिए. एक ऑक्सीजन पर माइनस टू होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 8 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 एंड 6 हो जाएगा,
जब 2 एंड 6 हो जाएगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर चार्जेज जो ऑक्सीजन पर डेवलप करता है वो -2 डेवलप करता है, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना -4 हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज इस पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है कि इक्वल होता है, तो इस पर माइनस चार्ज 4 चार्ज, तो इस पर ऑटोमेटिक प्लस 4 हो गया, तो कार्बन -4 से +4 में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का, यहाँ से यह माइनस, ये 0 था और यहाँ क्या हो गया -2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यह 0 से -2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया कि 0 से इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ये, तब तो -2 हो गया। ठीक है, 0 से नीचे हो गया, कम हो गया, तो -2 हो गया, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। आइए, रिडक्शन अकर्स व्हेन एन एटम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ठीक है, और ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा हो, ठीक है, चार्जेज बढ़ रहा हो, तो समझना कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी का चार्जेज घट रहा हो तो समझना वहां रिडक्शन हो रहा है। तो यह देखो -4 से +4 में जा रहा है, चार्जेज बढ़ रहा है, अपियरिंग चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहते हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर क्या है आपका 0 है, और 0 से यह कहाँ जा रहा है -2 में, ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए प्रोसेस आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, आइए रिडक्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, और वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा हो, दैट इज नॉट ए रिडक्स रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा आपको कि जो रिडक्स रिएक्शन नहीं होता है। All redox reaction involves the transfer of electron from one atom to another. किसी भी redox reaction को देख लीजिए, तो transfer of electron from एक atom से another atom में होता है। जो electron lose करेगा उसका oxidation हो गया, जो electron gain किया उसका reduction हो गया। ठीक है, spontaneous redox reaction are generally exothermic and we can use their release energy as a source of energy for other application. ठीक है, spontaneous redox reaction जो होता है वो exothermic होता है, और exothermic reaction वैसे reaction को कहा जाता है जो energy release करता हो। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको कहा जाता है जो ऑटोमेटिकली हो, बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, पढ़ा चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, तो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर अदर, तो जो एनर्जी रिलीज होता है एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, उस एनर्जी का एप्लीकेशन दूसरे जगह किया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन कहीं भी हो रहा हो तो यह साइमल्टेनियसली होता होते रहता है। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, तभी उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे ना। जैसे देख लो, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, किधर है, यहाँ, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइंस विद क्लोरीन देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो जरा किसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोरीन था, ठीक है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ये प्रोसेस तुम्हारा रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया, तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन जहां भी होगा, रिडॉक्स रिएक्शन अगर वह है तो ऑक्सीडेशन जहां भी होगा तो वहां रिडक्शन जरूर होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लस साइमल्टेनियसली। ठीक है, समरी आ जाइए, अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या पढ़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किधर है मेरा कर्सर, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ आयन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन ऑफ आयन इलेक्ट्रो, रिमूवल ऑफ आयन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। किसी भी रिएक्शन से अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दे तो रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ आयन इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट को फिर हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी हाइड्रोजन के रिमूवल हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस लॉस कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कह दिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कह दिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन कह दिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रिडक्शन कह दिए। तो ये समरी हो गया ना, जो भी अभी तक हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ना, एक पेज में आपका 5-6 पॉइंट में सम अप हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो 11th और 12th में दोनों में इसका यूज खूब होता है आपका। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बिना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं होता है, दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन आइटम, याद रखना हमेशा हम लोग एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन एटम इन ए मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन इज चार्ज दैट अपीयर्स टू हैव व्हेन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। सपोज यू आर टेकिंग HCl, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या कहा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द क्लोरीन एटम सो दैट इट विल गेट -1 चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट 1 पॉजिटिव चार्ज, दस द ऑक्सीडेशन स्टेट द चार्ज विच इज अपियरिंग ऑन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर, हेयर चार्ज ऑन हाइड्रोजन इज अपियरिंग एज +1, देयर फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हाइल दैट ऑफ क्लोरीन इज -1। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ an atom in ionic compound is equal to its number of positive or negative charge in its ion. अगर कोई आयन हो और उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा हो, तो वह चार्जेज किसके बराबर होगा, उस आयन के बराबर होगा। सपोज यू आर टेकिंग NaCl एंड इट इज डिसोसिएटेड इनटू Na+ एंड अनदर वन इज Cl-1 ना, ये Cl-1 हो गया Na+1, thus we can say that the charge appearing on sodium is equal to +1, ये +1 के बराबर हो जाएगा, Cl- का कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। सपोज यू आर टेकिंग सल्फेट, ठीक है, देन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट विल बी इक्वल टू -2। लैंग्वेज पर ध्यान देना, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू -2। Suppose you are taking phosphate PO4-3 phosphate, ठीक है, तो its charge appearing on this phosphate is -3, thus we can say that total oxidation number or total oxidation state of phosphate is equal to -3। ठीक है, ये हो गया। All free uncombined elements are assigned as assigned an oxidation state of 0। अगर कोई फ्री एटम है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 0 होता है, जैसे सोडियम है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। कब, जब यह फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट किसको कहेंगे, अनकम्बाइंड स्टेट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा हो, 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली दैट ऑफ मैग्नीशियम विल बी 0, दैट ऑफ आयरन 0, दैट ऑफ कॉपर 0, दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस 0, दैट ऑफ क्लोरीन गैस 0, दैट ऑफ ऑक्सीजन 0। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड भी है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। तो जैसे H+ है, Na+ है, K+ है, तो इस पर चार्जेज 1 अपीयर हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। Cl- है, Br-1 है, I-1 है, तो चार्जेज -1 अपीयर हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1 हो गया। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2, सब पर चार्जेज +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन लोगों का +2 हो गया। सल्फेट देख लो, ऑक्साइड देख लो, सल्फाइड हो गया, सब पर -2 चार्जेज है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। आयरन देख लो, Fe+3, Al+3, सब पर +3 चार्ज डेवलप है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 0, कोई किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे CO का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO2 टोटल कितना हो जाएगा, 0। टोटल ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, बट इन द केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइज इट इज -1। थोड़ा सा रुको,
अब हम लोग जैसे ऑक्सीडेशन, कुछ चीजें अब तुमको याद करना पड़ेगा, अभी तक क्या पढ़ाया, अभी तक ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में सम अप करता हूँ। जैसे कोई कंपाउंड है तो किसी भी कंपाउंड में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, जैसे Cl2 जीरो हो जाएगा, H2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज जीरो हो जाएगा, CO2 जीरो हो जाएगा, CO जीरो हो जाएगा। इफ इट इज आयन, इफ देर इज एनी आयन, देन टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्जेज, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट वेरी आयन विल बी इक्वल टू चार्ज अपियरिंग ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्साइड -2 ऑक्सीडेशन नंबर -2, सल्फाइड -2 ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा, नाइट्रेट NO3 -1, फॉस्फेट PO4 -3, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो आयन होता है उस पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ठीक है, उस पर जो चार्ज अपियर होता है उसी के बराबर होता है, ठीक है। कोई फ्री एटम है तो टोटल उसमें, ये अनकंबाइंड एटम है तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, इसीलिए वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए टोटल चार्ज कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब एक चीज याद रखना है, जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन वह मेटल में हो, मेटलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो हाइड्रोजन का -1 भी हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होता है वो प्रूफ करेंगे हम। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, ग्लूकोज है तो इसमें हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, लेकिन मेटलिक हाइड्राइड है तो मेटलिक हाइड्राइड में नाइट्रोजन का -1 हो जाता है। कैसे होगा, एक एग्जांपल देख लो, यही है सोडियम, ये है हाइड्रोजन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तब ये ड्यूएट हो जाएगा, और इसको सोडियम को क्या होता है, चाहे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 8 या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बढ़ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो 7 इसको कौन देगा, नहीं पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इस हाइड्रोजन को दे देगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। इस पर कैसा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो -1 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है इसलिए +1 हो गया। तो मेटलिक हाइड्राइड में सिंस द हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद द मेटल व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए हाइड्राइड में, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। कहाँ है, यहाँ -1 होता है, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, तो कैल्शियम हाइड्राइड है, यही ना कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो इसका, 2, 8, 8 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, दो इलेक्ट्रॉन हल हार में लूज करना है, दो हाइड्रोजन, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना है, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका, इसके चलते यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहा जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो एक माइनस चार्ज आ गया, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर भी -1 चार्ज डेवलप कर गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के चलते एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो देखो कैल्शियम पर +2 चार्ज डेवलप हो गया, और मेटेलिक हाइड्राइड है जो हाइड्रोजन है उस पर -1 आ गया, तो देखो फिर यहाँ -1 हो गया। उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1 का हो जाएगा। आइए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, व्हाई सो, बिकॉज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड इट्स इलेक्ट्रॉन इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट कैन एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट इज व्हाई इट्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, बट इन द केस ऑफ पर ऑक्साइड इट इज -1, लेकिन पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो
देख लो तुम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, मेरा कर्सर यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस टू हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का माइनस टू हो गया, यहाँ पर भी माइनस टू हो गया, ठीक है। कैसे हुआ माइनस टू? तो इसके चलते क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह है लेकिन पर ऑक्साइड में इसका माइनस वन होता है, लेकिन कहीं पर ऑक्साइड हो तो उसको माइनस वन होता है। पर ऑक्साइड कहते क्या किसको है, तो वैसे सब्सटेंस ना जिसको अगर हम लोग पानी से या डाइल्यूट एसिड से ट्रीट कर दें और वह एच टू ओ टू दे दे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज कर दे, तो उसको हम लोग पर ऑक्साइड कहते हैं। इन द केस ऑफ द पर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज माइनस वन, ठीक है। तो देखो एक ऑक्सीजन पर माइनस वन, दूसरे पर भी माइनस वन, इस पर प्लस वन, इस पर प्लस वन। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो यही ना है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन छः होता है, दो दो चार पाँच छ, दो दो चार चार हो गया पाँच और एक छ, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यह इसके साथ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ गया, यह एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो एक और माइनस चार्ज आ गया, यह इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा है इसलिए प्लस वन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए प्लस वन हो गया। बट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दीज टू ऑक्सीजन आर सेम, ठीक है, देयरफॉर दे विल जस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। तो ऑक्टेट इसी कंप्लीट हो गया, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में है, तो ना इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं इसको लेगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस वन हो जाता है किसमें, परऑक्साइड के केस में। बट इन द केस ऑफ द सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस हाफ, याद रखना सुपर ऑक्साइड के केस में माइनस हाफ होता है। तो प्रूफ कर देते हैं इसको कैसे माइनस हाफ हुआ। देखो के ओ टू है, कोई चार्जेज है इस पर, बोलो नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटासियम का कितना होता है, प्लस वन होता है, क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए प्लस वन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक्स हो, ठीक है, तो दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, हाँ, तो टू एक्स बराबर यहाँ जीरो हो गया। अब इसको मैथमेटिकली सोल्व करो, ठीक है, तो इसको मैं खींच करके यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा यहाँ पर मेरा जगह है बच रहा है, तो वन बराबर क्या हो गया आपका, या ये कह दो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो गया, ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस वन अपॉन टू, देखो माइनस हाफ आ गया ना, प्रूफ हो गया मैथमेटिकली। तो पोटासियम ऑक्साइड में यानी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हाफ होता है। इस केस में देख लो, इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये इस पर चार्ज है जी, इस पर चार्ज है प्लस टू है, ठीक है, और इस पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में या ऑक्सीजन फ्लोराइड में ऑक्सीजन का प्लस वन है, तो यहाँ प्लस वन है, यहाँ प्लस टू है, ठीक है, यहाँ माइनस हाफ है, यहाँ माइनस वन है और यहाँ माइनस टू है, तो ऑक्सीजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ग्रुप वन ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज प्लस वन होता है, ग्रुप टू ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का सभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज प्लस टू होता है। जैसे बेम का सर 12, कोड बताया था ना, बेम का सर 12, ये ब्रेलियम, ये बोरोन, तो उसमें आ गया ब्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम था ना, ये बेम का सर 12, रेडियम, ये सब आ जाएगा इसमें। और 1A में क्या था, हलीना का रूबी से फ्रेंड, ठीक है, हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से था, तो सबका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आपका प्लस वन ही होगा इसमें, और सेकेंड ग्रुप वाले का प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का ऑलवेज माइनस वन होता है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन क्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होता है, लेकिन अदर कंपाउंड में इसका वेरिएबल होता है, जैसे KCl में माइनस वन, AlCl3 में माइनस वन, कैल्शियम क्लोराइड में माइनस वन, यहाँ पर प्लस सेवन, यहाँ पर प्लस फाइव, यहाँ पर प्लस फाइव, यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर कितना प्लस वन, तो हम प्रूफ करेंगे इसको कि कैसे प्लस फाइव आ रहा है। अभी जनरल हम अभी रूल बता रहा हूँ मैं ना, तो मैं बताऊंगा कैसे प्लस फाइव हुआ, या बता ही दे अभी ले,
यहाँ पर आ ही गया, तो प्रूफ करते हैं इसको। किसमें बताए, HCl O3 में बताए कि इसमें बताए कि इसमें बताए, बोलो देख करके तुम लोग किसमें चाह रहे हो बताना। अच्छा KClO4 में देख लो ना, इसको मैं अंडरलाइन इन सर्किल कर दिया और यहां लाता हूं KClO4 को, KClO4 यह मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है ना, कोई चार्जेज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो के बराबर है, तो एक काम कर दिए टोटल चार्ज जीरो के बराबर दे दिए। पोटासियम ग्रुप वन एलिमेंट है इसलिए इसका एक पोटासियम का प्लस वन हो गया, ठीक है। क्लोरीन का हमको निकालना है, नहीं मालूम है, एक्स लिख दिए। एक ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है, तो चार ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पर चार से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर जीरो का हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, वन प्लस एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आ जाओ यहां से, एक्स बराबर कितना हो गया, 8 माइनस 1 हो गया, यानी कि कितना के बराबर हो जाएगा, प्लस 7 के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसका निकाल देंगे, सबका निकल जाएगा आपका। तो लो NaClO3 भी निकाल देते हैं तुम लोगों को, हमको रब करने दो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड रब हो गया। अब सोडियम क्लोरेट देख लो, NaClO3, ठीक है, NaClO3 में हमको निकालना है क्लोरीन का। सोडियम अल्कली मेटल है, ग्रुप वन का है, इसका प्लस वन हो गया। क्लोरीन का मालूम नहीं है, निकालना है हम लोगों को, एक्स मान लिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2, तो तीन ऑक्सीजन के लिए हम लोग तीन से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई चार्जेज नहीं है इसलिए इक्वल टू जीरो कर दिए, ठीक है। अब देख लो, वन प्लस एक्स माइनस 6 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकाल दो, एक्स बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, प्लस 5 हो गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। इसी तरह सब का निकल जाएगा तुम लोगों को। चलो निकाल ही देता हूँ HClO। हाँ बेटा बोलो, HClO3। अच्छा इसका निकाल दे, ठीक है, देख लो AlCl3 का, देख लो AlCl3 टोटल चार्जेज कितना है, जीरो के बराबर है, तो पहला काम कर दिए जीरो। ये एल्युमिनियम है, थर्ड ए का है, थर्ड ए में जितने भी होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, ठीक है। अब हम लोग को मालूम नहीं है क्लोरीन का, तो एक्स मान लिए, तो एक क्लोरीन का एक्स, तो तीन क्लोरीन का 3x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 3x बराबर कितना हो रहा है तुम्हारा, 3x बराबर हो गया तुम्हारा -3, यही ना है, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। क्लोरीन के यहाँ पर देखो -1 है, ठीक है, बताएंगे और हम प्रैक्टिस अभी कराएंगे, अभी हमको थ्योरी पढ़ाने दो। सेम फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड इज -2, सल्फाइड जहां पर भी होगा -2 होगा, ठीक है। कुछ केसेज ऐसे हैं जैसे सोडियम थियोसल्फेट है, इसमें आपका यहाँ सल्फर का +2 है, यहाँ पर सल्फेट में +4 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में +6 है, ठीक है। सोडियम टेट्रा थियोनेट में यहाँ पर सल्फर का 2.5 है, तो ये क्या कह, इन दोनों में किसका बता दूँ, बोलो निकाल के देख ला दूँ, 2.5 वाला टेट्रा थियोनेट वाला, ठीक है, देख बेटा Na2S4O6 टोटल मॉलिक्यूल है इसलिए टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो के बराबर होगा। यहाँ सोडियम है, एक सोडियम का +1, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सल्फर का हमको मालूम नहीं है, एक सल्फर का एक्स, तो फोर सल्फर के लिए हो गया फोर एक्स, ठीक है। अब यहाँ हो गया कितना ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो के लिए कितना हो गया, 12 -12 हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2, तो 6 के लिए 12 नहीं होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 2 प्लस
फॉर एक्स इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब आ जाओ इसको देखो। प्लस हाँ बोलो। हाँ प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आ जाओ तुम, यहाँ हो गया हम लोग का फोर एक्स बराबर कितना रहा है, 12 -2 हो गया, विच इम्प्लाइज फोर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। ठीक है, यहाँ 2 बच गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो सौम्या, 5/2 बराबर कितना आ गया, 2.5। ठीक हो गया दो ना, प्लस के साथ, प्लस माइनस जरूर देना है ना, तो गलत हो जाएगा। प्लस के साथ सॉल्यूशन नंबर में हमेशा प्लस माइनस देना चाहिए। इस तरह सबका निकल जाएगा। तुमको आगे कुछ एक्सेप्शनल केस आता है, और केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कुछ ना कुछ वजह होता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं, लेकिन सब बताएंगे, चिंता नहीं करो। देखो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ आयन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है, जैसे सल्फर है, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाइलोजन है, 7 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ग्रुप नंबर का। मिनिमम निकालना हो तो ग्रुप नंबर में से 8 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे सल्फर है, अब हमको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फर किस ग्रुप में आता है, 6 ग्रुप में आता है, 6 में से 8 माइनस कर दो, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -2 आ गया। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, तो क्लोरीन 7 ग्रुप में आता है, -8 कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है। आइए अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, और कंपाउंड में आपको मैं दे रहा हूं, जैसे ये ले लो H2S2O8। ठीक है, निकाल के तुम लोग बताओ तो सल्फर का कितना है, यहाँ पर निकालो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। हाँ कैफ, कितना आ रहा है, सर 7 7 आ रहा है। चलो भाई, रहा है सर, H2S2 है कि S4 है? हाँ 2 है 2 है, इतना सुंदर मैं 2 लिखा हूँ। सर, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। अच्छा चलो, एक आंसर आया है +7, दूसरा आंसर आया है +6। चलो ठीक है, कैफ तुम्हारा कितना आया, +7 +7 आ रहा है। चीन तुम्हारा कितना आया, नहीं अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइन की थी, भाग गए, छोड़ दो। अच्छा चलो, और किसी का, और एक जी बोलो। देखो, आंसर जिसका +6 है वो सही है। सल्फर तुम्हारा 6 ग्रुप का है, जब 6 ग्रुप का है तो 7 हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम 6 के बराबर होगा, ऐसा केस आज। फॉर्मूला हाँ बेटा बोलो। गलत आ रहा है, तब हमको भी यही लगा कि फॉर्मूला गलत फॉर्मूला भी ठीक है, ठीक है, हम बता रहे हैं कैसे 6 आएगा, हम समझाने दो, समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करना। तो देखो, ये क्या कहा जाता है, जब ऐसा केस आ जाए कि ग्रुप नंबर से एक्सीड कर रहा हो, तो उसका ग्रुप नंबर के बराबर दे के छोड़ दो, आंसर सही हो जाएगा। ये टेक्निक हो गया। ठीक है, अब देखो इसका कैसे +6 आएगा वो देखो। तो इसका जरा फोटो देखो, ये सल्फर है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, इसको मार्शल एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्शल एसिड कहा जाता है, मार्शल एसिड, कहीं पर नोट कर लेगा, मार्शल एसिड है। ठीक है, इसका फोटो देख लो, फोटो देखने से ना
पहचान में आता है, तुरंत आ जाता है। ठीक है, फोटो देख लो। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ ऑक्सीजन हो गया। यहां पर देखो तो किस फॉर्म में ऑक्सीजन है, परऑक्साइड है। क्या है ये? परऑक्साइड है। दो लगातार ऑक्सीजन हो तो समझो कि वह परऑक्साइड है। ये तुम्हारा पर ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो पर ऑक्साइड में पढ़ा चुका हूं कि -1 होता है, -1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। जब भी खींचेगा तो ये सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, ये इधर से लेगा -1, यहाँ तो शेयरिंग हो जाता है, इसलिए -1 हो गया। ये दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका -1 है। ठीक है, अब आ जाओ एक हाइड्रोजन का +1, तो दो हाइड्रोजन के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब आ जाओ सल्फर का निकालना है, तो टोटल सल्फर कितना है? दो है, तो एक सल्फर का हो गया एक्स, तो दो सल्फर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब आ जाओ दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका -1 है, तो -1 × 2। ठीक है, ठीक है, माइनस। अब जितने भी ऑक्सीजन है सब -2 वाला है, तो कितना बच गया तुम्हारा -2 वाला? 6 बच गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है? तो 0 है। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारा -2 और ये हो गया +2, कैंसिल हो गया तुम्हारा। ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। कितना? 12, तो प्लस के साथ है 12। ठीक है, 2 × 6 = 12, यानी कि आंसर कितना जाएगा? +6 आ गया। समझ गई सौम्या? कैफ, तुमको समझ में आ गया? हाँ बोल बेटा। सर इसका स्ट्रक्चर फिर से समझाइए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? ओ अच्छा, चल देख इसको भी समझा ही देते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो जो भी एसिड होता है इस तरह का, उसमें ये कंपाउंड, ये पार्ट जरूर होता है, एक पार्ट इतना जरूर होता है। ठीक है, अब दो ठो सल्फर है तो देख लो तुम, दो सल्फर है तो दो सल्फर में इतना पार्ट जरूर होगा। ठीक है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ये तुम्हारा हो गया, बच गया इतना। अब हम लोग ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड कर दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक बच रहा है यहाँ। अब इसका भी रूल है क्यों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमको टाइम लगेगा ज्यादा, चल लेकिन पूछ दियो तो मैं बता ही देता हूँ। रुक जा, हमको रब करने दे, जगह बना लेने दे, तब तुमको मैं बता देता हूँ। एक बार में रब हो जा, चल हो गया क्लियर। अब आ जा, तुमको स्ट्रक्चर कैसे हम बनाए वो देखो। H2SO8, सेंट्रल एटम इसमें कौन है वो देखो। सबसे पहले बताओ तुम लोग, सेंट्रल एटम कौन है? जिसका जनसंख्या कम होता है वो सेंट्रल होता है। तो ये हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। जब भी होगा तो ये किनारे पर होता है। तो सेंट्रल एटम तुम्हारा सल्फर बच गया, तो इसको सेंटर में बता दो। ठीक है, दो सल्फर है तो दो जगह सल्फर बना दो। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन तुम लोगों का, ये हाइड्रोजन 2 है तो दो किनारे पर दोनों हाइड्रोजन को कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन तुम्हारा 8 है, 8 जगह ऑक्सीजन लिखो। एक जगह ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक जगह ऑक्सीजन यहाँ आ गया, एक जगह ऑक्सीजन यहाँ आ गया। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ 1 है, वैलेंसी देते चले जाओ। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो सल्फर का देखो वैलेंसी होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये 6 हम कर दिए। इस सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है,
छः हम दिखला देते हैं, ठीक है। इससे क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजन लगेगा। ये हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखला दो, इसका भी होता है 6, 2, 2, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब आ जाओ एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे दो, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दो, 2, 2, 4, 4, 5, ये 6। अरे इसका 2 छूट रहा है, 2 दे दिए। अब देख लो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2, 2, 4, 2, 6 हो गया, ठीक है। इसका भी दे दो 2, 2, 4, और ये हो गया तुम्हारा 2, 6, ये हो गया 2, 2, 4, ये हो गया तुम्हारा 6। तो देखो इसका डुएट कंप्लीट होता, सबसे पहले इसका डुएट कंप्लीट करा दो, इसका डुएट कंप्लीट करा दिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट होगा कंप्लीट, ये ऑक्टेट यहां से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस ऑक्सीजन को देखो, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस सल्फर का देखो, ठीक है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन अभी भी हम लोगों का छूट रहा है, ठीक है। उसके लिए जगह जब भी होगा तो बीच में होगा। क्यों जगह बीच में होगा? क्योंकि इधर जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि इधर हम ऑक्सीजन ऑलरेडी दे चुके हैं, इधर ऑक्सीजन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए अब इधर ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, इधर नहीं दे सकते हैं। जब भी आएगा तो बीच में आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दो, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 4, 5, 6। तो देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 6 हो गया, अब एक इसके साथ ले लिया 7 हो गया, अब एक सल्फर का ले लिया 8 हो गया, ठीक है। इसका भी देख लो तुम, ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इस सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो देखो 2 हो गया यहां से, 2, 4, 2, 6, 7 और 1, 8, इस ऑक्सीजन का शेयर कर लेगा, इस ऑक्सीजन का शेयर कर लेगा, ठीक है। तो 8 हो गया इसका। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का देखो, तो पहले से 6 था, एक 7 हो गया, एक इसका ले लिया 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराओ, तो एक कोऑर्डिनेट कर दिया, यह इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है, यह इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, एक कोऑर्डिनेट हो गया, तो फोटो बन गया। कैसे बना? एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक पेयर का इलेक्ट्रॉन हो रहा है शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन, यहाँ एक पेयर है सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ हो गया सल्फर ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ऐसे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना सल्फर के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक पेयरिंग का पेयर का शेयर है, सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक पेयर शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये सल्फर है, सल्फर का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, बन गया। अब डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? हाइड्रोजन, क्योंकि सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, कंसिक्वेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एटम सो दैट इट विल गेट वन नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेट वन पॉजिटिव चार्ज। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो ग्रेटर देन दैट ऑफ द सल्फर, कंसिक्वेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एटम सो दैट वंस अगेन इट विल गेट वन मोर नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 हो गया, ठीक है। दिस सल्फर इज डोनेटिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore it will get 2 negative charge. Similarly, it is also gaining 2 electron. Therefore, 2 minus charge. यहाँ हो गया 2 minus charge. यहाँ हो गया 2 minus charge. Since the electronegativity of this oxygen is greater than that of hydrogen, consequently it will get 1 negative charge and hydrogen will get 1 positive charge. Owing to high electronegativity, this oxygen is also attracting the electron from the sulfur. So once again it will get 1 more negative charge. So total negative charge is -2. Here this oxygen is sharing electron with this sulfur and its electronegativity is greater than the sulfur. Therefore, the bonded electron will shift towards this oxygen atom so that once again it is getting minus charge
एंड सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल गेट ऑल्सो माइनस चार्ज बट दीज ऑक्सीजन विल नॉट अट्रैक्ट देयर इलेक्ट्रॉन टू इच अदर ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दैट इज व्हाई इन व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइनस ये परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी माइनस वन. प्रूफ हो गया बोलो. यस सर. चलिए तो ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ. अटेंडेंस हमको लेने दीजिए, इसके बाद जाइएगा.